बात आप पूरी करें। मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपीयर होने के लिए, हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15,000 के दो अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाएं जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं, और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशन में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, कानूनी पहलू लगातार जो है बात तो उन पर हो रही है, लेकिन राजनीतिक मामला इसमें आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को वेंडेटा पॉलिटिक्स बता करके सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जांच से भागने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जो जांच की आंच है वो तेज होती जा रही है और एक ना एक दिन उन्हें ईडी के सिकंजे में आना ही होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोप लगाते हुए ये कह रही है कि सिर्फ 2024 के चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी उनसे पूछताछ नहीं करना चाहती है बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। और राजनीति से प्रेरित जो समन ईडी के आ रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। इस बात को उन्होंने ईडी के हर समन पर उठाया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से ले जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में भी गई थी और घर घर जाकर के जनता से रायशुमारी की थी आम आदमी पार्टी ने, और ये जानने की कोशिश की थी कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार जी। बलराम, फिर कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम आपसे आगे भी और जानकारी लेते रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल फौरी तौर पर राहत मिल चुकी है। ईडी की जो पेशी वाला मामला था उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। निजी तौर पर पेश होने से भी उन्हें राहत मिल चुकी है, एग्जेम्पशन मिल चुकी है। लेकिन ईडी इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि ईडी ने उधर के कविता की जो गिरफ्तारी की है इसके बाद माना यह जा रहा है कि जो शराब घोटाले की जांच है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिल चुकी है अदालत से, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और निजी तौर पर पेशी से भी राहत मिल गई है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होने जा रही है। लेकिन यह पूरा मामला ईडी ने जो पेशी पर ना आने को लेकर के शिकायत की थी अदालत से उस पर हुआ है। इस बड़ी खबर पर और दूसरी बड़ी खबरों पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप जी न्यूज के साथ। जी न्यूज। अब डबल एम रिब्स के साथ